जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज इन टेक में। दोस्तों आज मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ उस्तरा ट्रिमर क्रोम 300 का। और मैंने इस ट्रिमर का बहुत सारा ऐड देखा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद इस ट्रिमर का रिव्यू करना चाहिए। और जैसे कि आप आज के टाइम में देखते ही होंगे कि सभी की ज़रूरत है ट्रिमर की, काफ़ी ज़रूरत आज के समय में पड़ती है सबको। तो ये ट्रिमर है, अभी मैं बता देता हूँ इसके बॉक्स को। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो इसके बॉक्स पर जो प्राइस हैं वो 2499 है, लेकिन मुझे ये काफ़ी सस्ता पड़ा है। और मैं इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके बॉक्स के अंदर की बात करूँ तो आपको इसमें एक ब्रश मिलता है, चार्जर मिलता है, ऑयल मिलता है, और पहले इस ट्रिमर के साथ में 3 कॉम आते थे, लेकिन अब इसके साथ में मुझे 5 कॉम मिले हैं। तो ये बढ़िया बात है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पहला जो कॉम है 2 mm का है, एक जो कॉम है वो है 7 mm का, पहले नहीं आता था, तो 7 mm का भी कॉम अब इसके साथ आ गया है, और इससे भी बड़ा साइज आ गया है, ये है 10 mm का। इसके बाद जो पहले वाले कॉम थे 4 mm का, और एक ये कॉम है 3 mm का, तो ये 5 कॉम अब इसके साथ आ गए हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो ट्रिमर है ये मैंने पहले फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो उसमें मुझे दो तीन ही कॉम्ब मिले थे, और ट्रिमर भी सही कंडीशन में नहीं मिला था मुझे, मतलब कि यूज्ड ट्रिमर मिला था। तो आप ध्यान रखें कि सही जगह से ही इसको खरीदें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ जगह पर जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है उसमें 3 ही कॉम्ब अभी भी आ रहे हैं, तो ध्यान रहे कि अब 5 कॉम्ब इस ट्रिमर के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ब्लेड जो है इसके शार्प ऑटो अपने आप जो है शार्प हो जाते हैं, ऐसा कंपनी कहती है। अगर मैं कॉम्पैक्ट, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया ग्रिप है इसकी, बहुत अच्छे से हाथ में आ जाता है और आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी चार्जिंग पॉइंट है, इसको ऑन अगर मैं करूँ तो बहुत ही मिनिमम साउंड मुझे लगी है इसकी, तो ये भी एक जो है अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले दे रखा है कि कितनी इसमें बैटरी बची हुई है। इसके अलावा इसमें आपको अगर ऑयलिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी मतलब कम है, ऑयल नहीं है, अगर इसके ब्लेड ठीक से ऑयलिंग नहीं हुई हुई है उनमें तो वो भी दिखाएगा, और अगर बैटरी डाउन है तो वो भी आपको शो करेगा। तो अभी फ़िलहाल 88% इसमें बैटरी डली हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से कितना बढ़िया ट्रिम करता है दाढ़ी को, कितना क्लोज ट्रिम ये करता है, तो उसका रिव्यू बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रिमर में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी लगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आपको पहले बताता हूँ कितना क्लोज ये ट्रिम करता है और कितनी अच्छी तरह से ट्रिम करता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मेरी काफ़ी शेव आ चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि ये ट्रिमर कितना पावरफुल है और कितना क्लोज ट्रिमिंग ये करता है, वो मेरे हिसाब से वो बताने के लिए काफी है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि कितना क्लोज ये ट्रिमर या कितनी बढ़िया ट्रिमिंग ये करता है। तो एक तो जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इसके जो ब्लेड्स हैं ये बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो ब्लेड्स होता है ना वो अंदर स्किन में लगते हैं और बहुत ही हर्ट करती है स्किन, और आप रिजल्ट देख सकते हैं, मैं आपको और शेव करके दिखाता हूँ थोड़ी सी।
तो आप देख सकते हैं कितनी शेव मैं कहूँगा काफ़ी क्लोज की है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेजर टाइप कर दी है, लेकिन काफ़ी क्लोज करी है। और सबसे जो अच्छी बात मुझे इस ट्रिमर की लगी है, अगर मैं कहूँ तो ये जो इसके जो ब्लेड्स हैं बिल्कुल भी नहीं लगते, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर्ट ही नहीं करते, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आप यकीन मानिए बहुत परेशान करती है चीज़, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया से कर रहा है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना क्लोज ये ट्रिम करता है, और मैं कहूँगा काफ़ी पावरफुल है। और मैंने इसको टेस्ट भी किया है, तो ये करीब करीब फुल चार्ज होने में करीब 70 मिनट के करीब ले लेता है, और करीब करीब 1.5 घंटा ये रेगुलर चल सकता है। मैंने जो टेस्ट किया है, जो मेरी टेस्टिंग है उसमें। अब जो अच्छी और बुरी बात है मैं बता दूं कि ट्रिमर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल है, ब्लेड्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, ग्रिप बहुत ही बढ़िया है ट्रिमर की। और इसमें जो ये जो दे रखा है, ये डिस्प्ले जो दे रखी है कि कितनी परसेंटेज आपकी बैटरी चलेगी, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैंने अभी तक किसी भी ट्रिमर में ऐसा नहीं देखा है कुछ भी। और मैं आपको बताऊं कि सब कुछ इसका बढ़िया, चार्जिंग टाइम भी बहुत कम है। अब जो इसकी जो कुछ कमियां मुझे लगी हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये किसी भी तरह का इसमें वाटर प्रूफिंग मतलब नहीं है, कोई भी अगर इसमें पानी वानी गलती से गिर भी जाता है तो डैमेज हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी इस ट्रिमर के साथ में है वो ये कि इसका कोई भी सर्विस सेंटर पे आप जाके इसको रिपेयर नहीं करा सकते अगर कोई प्रॉब्लम आती है। आपको कस्टमर केयर फोन करना पड़ेगा, उसके बाद जो ये बताएंगे वो ही आपको करना होगा। कोई इसका एक लोकेशन नहीं है सर्विस सेंटर की कि आप वहीं पे जाके इसको ओके करा लें, ठीक करा लें। तीसरी जो चीज मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये जो चार्जर है ना, ये चार्जर ये बहुत ही थकी हुई क्वालिटी का मेरे को लगा है, बिल्कुल सड़ा हुआ चार्जर ही लगा है मेरे को, कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ट्रिमर इतना सुंदर इतना बढ़िया दे रखा है और चार्जर इतना थका हुआ दे रखा है, मुझे ऐसा लगता है साला 4-5 दिन में खराब हो जाएगा। तो बाकी बस ये थी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ट्रिमर को अगर आप खरीदना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।